हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर डिंपल एंड आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे संग एक बहुत ही विचित्र सी घटना हुई है जो कि हम आज के बाद रिपीट नहीं करेंगे, वी होप सो। सबसे बड़ी गलती इसमें भैया की है, मेरी नहीं है। मतलब मेरी भी है पर भैया की गलती ज़्यादा है। मतलब आज भाभी का बर्थडे और भैया भूल गया। भैया भूल गया, नहीं उसने केक भी ना 12 बजे के बाद ऑर्डर किया है। ठीक है, 12 बजे के बाद केक ऑर्डर किया। अगर किसी इंसान को याद होगा बर्थडे है, डिलीवरी लेट हो गई। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने, ये झूठ बोल रहा है। ना इसने कोई प्लान बनाया कहाँ जाना है, कल क्या करेंगे, सब माइंड में बना के रखा। डिस्क्लोज नहीं कराया मैंने प्लान अभी। ये तो अपने क्या कहते हैं, झूठ पे मिट्टी डालना वो वाली हरकत है। सर झूठ पे मिट्टी डालना, आग हाँ वो वाली चीज छुपाना। ठीक है, देखो मेरे पास ये चारा है, चारा मेरे पास आ गई थी। चारा सो नहीं रहा है, ये बहुत परेशान करती है ना, रात में सोती नहीं है। नहीं अंगू नहीं है, चारा अंगू नहीं है। जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं ना वो रात में जगते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं। चारा कुचू बेचारी अभी नशे में, चारा नशे में वो निनिया रानी। देखो अपना चेहरा देख रही है किस ध्यान से, कि प्रीति वुमेन कौन है ये, प्रीति गर्ल। तो अभी हमने केक ऑर्डर किया है, चुप रहे, शट अप। तो अभी हमने केक ऑर्डर किया है, केक आएगा, काटेंगे और फिर कल देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि प्लान तो बनाया नहीं है इस महान ने। सब बनाया प्लान, तू क्या प्लान बना? अच्छा बता इसका, ऐसे बेवकूफ क्या की। नहीं तू प्लान बता। सीक्रेट प्लान है ना, सीक्रेट बना। ओ माय गॉड, ऐसे कर रहे जैसे कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहा है कहीं। सरप्राइज पार्टी है, सरप्राइज क्या रहेगा मैं बता दूंगा। वो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा क्या सरप्राइज पार्टी दे रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखियो सरप्राइज पार्टी है, ध्यान रखियो। चारा को बता दो, चारा को बता, चारा किसी को नहीं बताया, उसको भी बता दिया मैंने डिस्क्लोज। चारा नहीं बताएगा ना किसी को, चारा नहीं बताएगा ना। देखो अपनी शक्ल देख रही है, देख शक्ल देख रही है। कुछ इसके गाल में ना डिम्पल पड़ता है, इधर की साइड गड्ढा पड़ता है। वैसे मेरा नाम डिम्पल है, मेरे तो पड़ता नहीं है, मेरी भतीजी के पड़ता है। 12:30 बजे, देखो 12:30 बजे केक आ गया है। चुप रहा तू, सारा सा लोग कभी तो भूल गया। 12:30 बजे केक आ रहा है, अच्छे से केक में निकाल रही। एक प्लेट ले आ, इसे तो अभी तो और कुछ अलग दिख रहा था ये। मतलब दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है, जो अलग ही प्रोडक्टरी चल रही है। चॉकलेट टफल ऐसी होता है, टफल नहीं होता, ट्रफल होता है। टफल टफल बोल रहा है मी। हेलो, लॉक कर दिए लोग, मम्मी अभी लिपस्टिक लगा रही। मम्मी तो सो गई थी, नींद में से आई है। सो जाऊंगा मुंह लग रहा है, सो जाऊंगा। मोटा सा नहीं, चबी। चलो चलो चलते हैं, ये रास्ता की ब्लॉक करके खड़ा हो गया है। सारा आ रही है, पंखा बंद कर दे, रास्ता ब्लॉक करके मत करो। अपना बर्थडे खुद ही भूल गई थी, मैं नहीं भूला था, ये भूली थी अपना बर्थडे। ये देखो भाभी आराम से सो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, गाना तो गाओ। बर्थडे टू यू, बच्चे होते नाम हमारा होता जपलू। हैप्पी बर्थडे सारा की मम्मी, इसीलिए भूल गए, तभी तो केक रखा हुआ है सामने। वो तो ऋषभ ने याद दिला दिया। अच्छा बताए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद भाभी की शादी की सालगिरह, मतलब भाभी भैया की दोनों की, तो हम उसमें एक्साइटमेंट में भूल गए। मुझे तो याद था, लेकिन मैंने कही 12 बजे के बाद ही उसको बताऊंगा। 12 बजे ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पत्थर की लकीर बन गई अब तो। चलो काटो, हैप्पी बर्थडे। भाभी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, 2:30 बज रहे हैं अभी, और हम इसके बाद जाएंगे मॉल। हमने प्लान तो बनाया, अब देखते हैं क्या होता है। गाइस हमारे घर में 2 चंगू मंगू आ गए हैं। ये भाभी है ना, भाभी उनके बहन की बेटियां हैं दोनों। दोनों को झूला झूलना है।
गाइस मेला लगा हुआ है, जिसे भी झूला झूलना है आ जाओ। झूला जो मेले वाला है झूला झुलाएगा। गाइस भाभी का दूसरा केक कटेगा, आओगे तो उसमें क्या है पर्स में खजाना है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, उसमें तो बहुत सारा खजाना है। हाँ, मुझे दे दो, देखो सामने आप भी देखो उसमें क्या है, अभी नहीं बोया, उसमें तो बहुत सारा खजाना है, देखो मामू बना रहे हैं। चंगू मंगू बताएंगे किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है बताओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बच्चे बच्चों को खिला रहे हैं, देखो समझ आ रहे हैं बच्चे, मैच्योर बच्चे। भूख मार दो, भूक तो मारी नहीं अंकिता कैंडल में तुमने। हाँ भूक नहीं मारी, आपने बिच नहीं किया मम्मी को, चारा ने बिच नहीं किया। नहीं मैं गाइस अभी 5 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, 4:45 हो रहे हैं और हम मॉल जा रहे हैं, मैं भैया भाभी और सारा, छोटी सी सारा पहली बार वो घूमने जाएगी मॉल से। अगर कुछ भी लेना हो, भाभी को कुछ भी पसंद आता हो तो मैं उन्हें दिलवा दूंगी, भैया उन्हें दिलवा देगा बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर, और रात में हम डिनर करने जाएंगे। सो गाइज दिस इज माई आउटफिट, ये वाइड जूते और ये बैग मैं हमेशा कैरी करती हूँ, हमेशा 24/7। हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल पर, भाभी पीछे बैठी है सारा को लेकर जो ड्राइव कर रहा है। तो आती नहीं, नहीं करूंगा, तूने सिखाई नहीं मुझे, सीख ली हूँ, 50 साल हो जाएगी ना तो सीख ली, 50 साल में तो रिटायर हो जाऊंगी। और ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, सबसे जो घर का डंबेस्ट मेंबर है यार, इसे कोई ले जाओ मेरे घर से, ठीक है मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं आजा आजा, कोई बात नहीं, होना होना है। हाँ चाबी ले भी जाओ, तुमने बता दिया, घर तो जा ही सकते हैं हम। डंबेस्ट मेंबर को तुमने ये चीज क्या बता दी? हाँ चल चुप रहे, डंबेस्ट मेंबर चाचा का नंबर है, हमारे घर से लोग आ जाएंगे, भाभी के घर से भी आ सकते हैं, बुला दें तो। हाँ जा तू ले जा, जा चाबी, हम शॉपिंग कर लेते हैं, खूब है ना भाभी, धमकी दे रहा है धमकी। स्ट्रॉबेरी वाइप्स ले लो, स्ट्रॉबेरी वाइप्स, स्ट्रॉबेरी वाइप्स सारा के लिए ले लो, कुछ भी चुनिए 49 में, और ये सब 49 का ही सामान है, हमको क्या मामू बना रहे हो तुम लोग, बाय वन गेट वन, सारे एक एक आइटम ले ले फ्री वाले। अच्छा फ्री वाले तो फ्री में देते, कितना अच्छा दिमाग लगाया है। सारा उठ गई, मैं भी देखूं सारा को, सारा पहली बार मॉल आई है। हाँ ये ऐसे खुल के अंगड़ा ही ले रही है। हाँ गर्मी लग रही है, चारा को पैक करके लाए हैं, नींद आ रही है उसे भी बहुत, मुझे चाहिए, भाभी को नींद आ रही है, सब टूटे टूटे हैं, ये ले ले तो रहने दो मतलब। मॉल से निकलने के बाद हम यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला, मम्मी ने एकदम हड़बड़ी मचा दी कि चलो चलो रेस्टोरेंट जाना है, ये करना है वो करना है, तो पता कुछ खाया भी नहीं है और बहुत तेज भूख लग रही है। देखो सब कितने भूखे बैठे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैंने साड़ी पहनी है। अच्छा चाचा का तो मास्क ही नहीं उतरता मुँह से, हमेशा मास्क में लगा के ब्लॉगिंग करते हैं। गाइस मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने ना चिली पनीर ऑर्डर किया है, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, मम्मी ने इतनी हबड़ टबड़ मचाई कि ना मैं पानी पीने का भी मौका नहीं मिला, ज्यादा मेकअप भी नहीं किया। मम्मी का डोसा आ गया, चाचा का छोला भटूरा, छोले भटूरे, कैसा है मम्मी? भाभी का भी डोसा खालो खालो, भाभी ने मुझे ला लिया गरम गरम पानी पी के, ज्यादा जल गया। सारा अपने पापा के गोदी में छो रहा है, सब पानी में सारा को सुंगा के खाना, सो सारा को सुंगाता ही रही हो पानी। चिली पनीर, ये पेट भर गया, अभी मैंने लस्सी ऑर्डर करी है अपने लिए, लस्सी नॉट स्ट्रॉबेरी शेक, सुबह से बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो गई थी, मैंने ज़्यादा पानी पिया नहीं था। सो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, अब हम जाएंगे घर, मेरा तो खाना यहाँ तक आ गया, मुझे लग रहा है उल्टी कर दूंगी। मम्मी ने भी खा लिया, खा लिया ना, पेट भर गया, बहुत पेट भर गया। मम्मी ने साड़ी पहनी है, मम्मी कह रही मेरी साड़ी कभी पहनती नहीं, मेरी साड़ी दिखा दे, मेरी साड़ी दिखा दे, दिखाओ
साड़ी भी पहनती थी, बहुत कम पहनती थी ना, हाँ थोड़ा टाइम था तो मैंने बोला साड़ी पहनी, टाइम जल्दी 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 जो डाला बस मम्मी आप मेरी ऑडियंस को बोर कर रही हो। बाहर बहुत ठंड है, अंदर गर्मी लग रही थी और बाहर कितनी ठंड लग रही है ना। अब मैं घर पे आ गई हूँ, काफी थक गई, पूरा दिन ही बाहर गया आज का, मतलब शाम से बाहर थे पूरा दिन तो नहीं बट काफी थक गई, अभी मैं सो जाऊंगी। और एक्चुअली इसके दो दिन बाद ना, जैसे आज 17 नवंबर है, 3 दिन बाद 20 नवंबर को भाभी की और भैया की एनिवर्सरी है, तो वहाँ भी जाना है, उसका भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सो मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।